जब फ्रीजा ने प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय किया था तो उस टाइम गोकू, वेजिटा और ब्रॉली जैसे सेंस बच गए थे, लेकिन उन सेंस का क्या हुआ जो कि प्लेनेट वेजिटा में मारे गए थे, और उनमें से एक किंग वेजिटा भी थे। लेकिन जब बात आती है क्या कभी वेजिटा अपने फादर से दोबारा मिल पाएगा, ये बात कोई नहीं जानता है। लेकिन आज मैं ऐसी ही एक फैन स्टोरी बनाया हूँ जिसमें वेजिटा अपने फादर से मिलेगा, और ये फैन स्टोरी मैं खुद से बनाया हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। गोकू वेजिटा हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर की ट्रेनिंग के बाद वो बाहर एक साथ बैठे होते हैं। वेजिटा कुछ सोच रहा होता है और गोकू उससे पूछता है कि क्या हुआ वेजिटा, तुम क्या सोच रहे हो। वेजिटा थोड़ी स्माइल के साथ बोलता है कि आज हम इतने ताकतवर हो गए हैं और हमने फ्रीजा को भी मार दिया था, हालांकि अब वो जिंदा है और कहीं और घूम रहा है, लेकिन फिर भी हमने उसे मारा है जो कि हमारी प्रजाति का सबसे बड़ा दुश्मन था, और हमने उस वक्त सुपर सेन जैसी ताकत को भी अचीव किया था। उस वक्त सुपर सेन बनना बिल्कुल नामुमकिन था, लेकिन आज हम सुपर सेन के गॉड लेवल पे हैं। वेजिटा बोलता है अगर आज किंग वेजिटा होते और मुझे ऐसे देखते तो वो काफी खुश होते। गोकू वेजिटा से पूछता है कि क्या तुम अपनी फादर की बात कर रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल से वो तो एक बुरे लोगों में से एक थे। वेजिटा कहता है कि सेन प्रजाति पहले खुद से रहती थी, लेकिन किंग कोल्ड और फ्रीजा के आने के बाद उन्हें और बुरा बनना पड़ा, लेकिन वो जो भी करते थे वो अपने सर्वाइवल के लिए करते थे। गोकू वेजिटा को बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है कि क्यों ना हम बाबा से कहकर किंग वेजिटा को भी थोड़े टाइम के लिए अर्थ पे ले आए, जैसे कि फ्रीजा को लाए थे टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए। वेजिटा गोकू को मना करता है, लेकिन गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन से बाबा के पास चला जाता है। जब तक वेजिटा गोकू की महसूस करके उस तक पहुंचता, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। गोकू ऑलरेडी बाबा से कहकर किंग वेजिटा के लिए विश कर चुका होता है, और वेजिटा गोकू पे चिल्लाता है कि तुमने मेरे मना करने के बाद भी क्यों नहीं माना, भले ही वो मेरी ताकत देख के खुश होंगे, लेकिन वो हमारे आज के रहने के ढंग और मुझे एक सेन होते हुए भी एक ह्यूमन से शादी करना, ये सब किंग वेजिटा को बर्दाश्त नहीं होगा। और तभी एक तेज रोशनी के साथ बड़ी सी परछाई दिखाई देती है, और उसमें से दिखाई पड़ता है किंग वेजिटा। वेजिटा अपने फादर के सामने डरते हुए झुकता है और कहता है आपको देख के खुशी हुई फादर। पहले किंग वेजिटा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन जब वेजिटा ऊपर देखता है तो वो समझ जाता है कि ये उसका बेटा प्रिंस वेजिटा है। और इससे पहले किंग वेजिटा कुछ बोलता, वेजिटा इमोशनल होके किंग वेजिटा को हग कर लेता है और सभी बातें बताता है कि कैसे फ्रीजा ने प्लेनेट वेजिटा को उड़ाया था और कैसे कैकरोट और उसने मिलके फ्रीजा को मारा। और किंग वेजिटा को कहता है कि मुझे तुम पे गर्व है। फिर किंग वेजिटा गोकू की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये एक सेन है, फिर भी इसने सेन की ड्रेस नहीं पहनी। वेजिटा समझाता है कि कैसे वो अर्थ पे आया और अर्थ का सारा लाइफस्टाइल, और वेजिटा अपनी वाइफ बुलमा और अपनी बेटे और बेटी से मिलवाता है। ट्रंक्स भी अपने ग्रैंडफादर को देख के खुश हो जाता है। वो बोलता है कि आप मेरे ग्रैंडफादर हो तो इसका मतलब आप मेरे पापा से भी ज्यादा पावरफुल होंगे, और ट्रंक्स बदल जाता है सुपर सेन में। और किंग वेजिटा शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि एक हाइब्रिड सेन और इतनी छोटी सी उम्र में कैसे सुपर सेन हासिल कर सकता है। फिर वेजिटा बताता है कि उसने कौन कौन सी ताकत पाली है, लेकिन फिर किंग वेजिटा कहते हैं मुझे तुम सबसे मिलके खुशी हुई, अपनी जिंदगी अच्छे से जीना, लेकिन मुझे अब जाना होगा, मेरा बाकी के सेंस इंतजार कर रहे होंगे, और अगर मैं यहाँ ज्यादा रहा तो शायद वापस जाने का मन ना करे। और फिर वेजिटा कहता है ठीक है जैसी आपकी इच्छा फादर। उसके बाद वेजिटा एक हल्का सा पंच किंग वेजिटा को मारता है, लेकिन किंग वेजिटा उसको अपने हाथ से रोक लेते हैं और दोनों एक स्माइल करते हैं। और वेजिटा बाबा को कहता है कि इन्हें वापस वहीं पहुंचा दो जहाँ ये थे, और किंग वेजिटा
गायब हो जाते हैं वेजिटा की आंखों के सामने। वेजिटा के लिए काफी इमोशनल होता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। और इसी तरह वेजिटा मिलता है अपने फादर से एक और बार। और गाइस, ये एक फैनमेड स्टोरी थी जो कि मैंने खुद बनाई थी। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर भर के बताना आपको ये स्टोरी कैसे लगी। अगर आपको ऐसी ही और फैन स्टोरीज चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर भर के बताना। और आज की जो वीडियो का लाइकेम है वो है 10K लाइक्स का। और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके दबा के शेयर कर देना। और जो जो इस चैनल पे न्यू है वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप सच्चे ड्रैगन बॉल फैंस होंगे, ताकि मैं ड्रैगन बॉल से रिलेटेड चीजें लाता रहूं। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय।